मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वॉकामिले विद रोहिणी. सो टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज दिस हॉल अबाउट. यस, आई हैड परचेज्ड द कमोडिटीज फ्रॉम मिनीसो. तो मिनीसो जो है वो जापान का एक ब्रांड है, स्टोर है, जहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी भी चीज़ें मिलती हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन ओपनड इन माई सिटी. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू कि क्या मैंने परचेज किया है इस स्टोर से, मिनीसो स्टोर से. और बहुत सारे मैंने हॉल्स ऑलरेडी देखे हुए हैं, सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड टू गो देयर एंड परचेज फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर. बहुत सारी यूजफुल चीज़ें मैंने यहाँ से खरीदी हुई हैं. बने रहिए इस हॉल के साथ में, हो सकता है आपको भी कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स दिख जाएं और नियर बाय मिनीसो में आप जाएं और वहाँ से आप चीज़ें परचेज करें. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर हॉल ऑफ मिनीसो. फर्स्ट परचेज दैट आई हैड गॉट इज दिस सेट ऑफ पंप बॉटल एंड स्प्रे बॉटल. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि DIYs मैं करती हूँ, तो नेचुरल DIYs की वजह से मुझे ये बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है. प्लास्टिक बॉटल्स हैं और सारे जो ये पैकेट्स हैं उनमें जिप इस तरीके से ना जिप लॉक दिया हुआ रहता है, जो कि आप निकाल के खुद जिप को आप खोल के यूज़ कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को. ये तो हो गए ब्लैक में, ब्लैक कैप है इनका. साथ में ये कलरफुल बॉटल्स भी लिए हुए हैं मैंने, जिसमें ये एक स्प्रे बॉटल है, पंप बॉटल है और एक नॉर्मल बॉटल है, जो कि आप ऐसे कैप खोल के यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे साथ में इसके ये छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, 3 डिब्बियाँ दी हुई हैं, जो कि आप क्रीम्स जैसे अगर आप बनाते हैं या कुछ भी आपको रखने के लिए स्टोरेज के लिए, ये छोटी डिब्बियाँ भी दी हुई हैं. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके साथ में जो आई है वो है ये फनल. जी हाँ, ये फनल भी आया हुआ है इसके साथ में, ताकि अगर आपको बॉटल्स में कुछ भी डालना है तो इस फनल के थ्रू आप डाल सकते हैं, ताकि क्या होगा कि कोई भी चीज़ बाहर गिरेगी नहीं और मेस क्रिएट नहीं होगा. तो दिस इज़ वेरी थॉटफुल थिंग दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस पैकेट. सो द नेक्स्ट परचेज दैट आई हैड गॉट इज दिस मिनीसो फेशियल क्लिंजिंग स्पॉन्ज. 2 पीसेज हैं इसमें. और ये जो स्पॉन्ज है जो आप क्लिंजर लगाते हैं या फोमिंग जेल या कुछ लगाते हैं अपने फेस पे क्लियर करने के लिए अपना फेस, तो दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस. पहले तो आप क्लिंजिंग लोशन या कुछ भी क्लिंजिंग मिल्क है वो अपने फेस पे लगा लीजिए और इसको गर्म पानी में डुबो के अच्छे से आप अपने फेस के ऊपर मसाज करिए, ताकि पूरी की पूरी डर्ट आपके फेस से निकल जाए. टच करने में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. आई कैन शो यू, टच करने पे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है. आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और कितना क्यूट सा पीस है ये. और ये प्लांट फाइबर्स और कॉटन फाइबर से बना हुआ है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट ऑन माई फेस, तो लेट जस्ट सी कि कैसा है ये. सो द नेक्स्ट परचेज इज ब्यूटिफुल कुल्फी मोल्ड्स, रैपिड ईयर्स हैं इसके, कुल्फी या आइसक्रीम मोल्ड्स. तो आई हैव अनदर टाइप ऑफ आइसक्रीम मोल्ड, सो दिस टाइम आई वॉन्टेड टू यूज़ दिस. बड़े क्यूट से लगते हैं ये पीसेस और स्टिक भी है उसके अंदर, इफ़ यू कैन सी द इमेज फ्रॉम इनसाइड, है ना. तो ये आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी लव्ड बाय माय किड, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक माय आइसक्रीम इन इट. सो नेक्स्ट परचेज बहुत दिनों से मुझे लेना था, जो कि है ये लवली कैट ईयर्स हेड रैप. फेस पैक लगाती हूँ मैं, आप सब जानते हो, तो बाल इधर उधर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं. तो दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस, और नेचुरली हेडेक हो रहा है तो यूज़ कर सकते कि नहीं पता नहीं, नहीं कर सकते शायद. एनी वेज, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू यूज़ इट और मुझे ख़रीदना था. और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी जो क्वालिटी है माइंड ब्लोइंग है. नाउ आफ्टर टचिंग इट, फील जो इसका है बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. और ये प्रोडक्ट्स को जब भी मैं यूज़ करूँगी सबको मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करूँगी, इनकी फील और कैसे यूज़ कर रही हूँ मैं इनको. सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट. फेशियल क्लिंजर स्पॉन्ज के साथ में ही मैंने यहाँ पे फेशियल क्लिंजर ब्रश भी लिया हुआ है. करना ये है कि क्लिंजर इस ब्रश के ये जो ब्रिसल्स हैं उसके ऊपर लगा देना है और अपने फेस के ऊपर फेस क्लीन करना है. होल सोल पर्पज़ ऑफ बाइंग दीज टू थिंग्स इज की विच इज़ बेटर, और कौन सा बेटर है ये भी मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ज़रूर शेयर करूँगी, सो डू चेक दैट आउट. फेसबुक पे भी अगर होंगे तो चेक दैट आउट ऑल्सो. तो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पार्लर नहीं जा पाते, बड़े बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल में, या फिर कहीं बाहर गए होते हैं और नहीं पता रहता कि कौन सा पार्लर यूज़ करें. तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा गैजेट है, जो कि है आईब्रो शेवर. बिल्कुल आप घर में यूज़ कर सकते हैं. आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट. तो 2 पीसेस हैं इसमें. सो अगेन
कैसा है ये, कैसा वर्क कर रहा है और कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज़रूर बताऊँगी आपको. सो हाउ टू यूज़ ऑल दिस प्रोडक्ट्स, प्लीज़ फॉर दैट यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अगेन आई एम बूस्टिंग दिस बिकॉज इतने छोटे छोटे चीज़ों के लिए आई कैन नॉट मेक यूट्यूब वीडियोज ऑब्वियसली. So the next product is this ceramic knife. Now along with that I have received this peeler also. Ceramic knives ke bhi wahan pe, aur ye chota size hai, bada size bhi tha. To ceramic knife ye actually use kara hua hai mere sister-in-law ne, jo ki advice kara usne ki ye zarur lena Miniso se. So kyunki iska jo ye blade hai kafi acha sharp hai, to uske liye maine yahan pe ye liya hai. Bada knife tha to bade knife ke sath mein aapke ye cover mil raha tha aur ek knife mil raha tha. Chota knife mujhe chahiye tha to के साथ में ये पीलर वहाँ अवेलेबल था. तो एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द आउटलेट ऑल्सो कि कुछ और रेंजेस में या फिर और उसमें कॉम्बिनेशन में भी आपके यहाँ मिल सकते हैं, हो सकता है. सो दिस इज द थिंग, लेट मी जस्ट ओपन इट एंड शो इट टू यू. सो गाइस दिस इज अ नाइफ, ये उसका कवर है और यहाँ पे मैंने टच करके देखा, एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा शार्प नाइफ है. सो गाइज ब्यूटी ब्लॉगर होने की वजह से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी मैंने लिए हुए हैं. तो यहाँ पे मैंने गोल्डन ब्राउन अल्ट्रा थिन वाटर प्रूफ आई लाइनर लिया हुआ है. जस्ट आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस आउट, वाटर प्रूफ है कि नहीं है, ये मैं जरूर ट्राई करूँगी. सो नेक्स्ट थिंग, मेकअप में ही आई शेडो पेंसिल विथ ब्रश लिया हुआ है. यहाँ पे ब्रश है और यहाँ पे आई शेडो पेंसिल है और इसमें 3 शेड्स वहाँ अवेलेबल थे, जो कि यहाँ पे मैंने 1 शेड लिया हुआ है. तो गाइज क्योंकि आपने मेकअप लगाया है तो नेचुरली मेकअप को हटाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लीच फ्री कॉटन पैड लिए हुए हैं. पिंक पैंथर, बड़ा क्यूट साइज का पैकेट है और इतना सॉफ्ट है इसको हाथ से ऐसे टच करने का, मैं इट्स वेरी सॉफ्ट एंड लेट मी शो यू अ सैम्पल. सो गाइज दीज आर द कॉटन पैड्स, स्क्वायर शेप में है. जो बाहर मिलता है वो नेचुरली थोड़ा महंगा रहता है, ये थोड़ा मुझे रीजनेबल लगा. ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब मैंने ये खोले तो इसके ऊपर से ना ये जो कॉटन का थोड़ा रेशा रहता है ना वो थोड़ा सा उड़ा. अदरवाइज व्हेन आई यूज़ इट ऑन माई फेस वाइल स्वाइपिंग ऑफ ऑल द मेकअप, तब थोड़ा सा और डिटेल पता चलेगा कि ये आपके स्किन के ऊपर कैसा है, हार्श तो नहीं है या सॉफ्ट है कि नहीं है. अदरवाइज इट्स सुपर सॉफ्ट. ओके सो द नेक्स्ट परचेज दैट आई हैव रिसीव, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट बाइंग परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स एंड सो ऑन. सो दिस इज़ द एंटी परस्पायरेंट जो मैंने लिया हुआ है. एक और फ्रेग्रेंस में भी था ये, तो ये ग्रीन बॉटल थी, वो शायद कोई मोव ऐसे स्प्रे पेंटिंग करा हुआ था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन में है, वो मोव या कुछ इस कलर में था. तो इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और नेचुरली और एंटी परस्पायरेंट है एंड ऑल्सो क्लेम्स लीव स्किन ड्राई एंड कम्फर्टेबल. कम्फर्टेबल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई फील नहीं करेगा, यही हो सकता है शायद. और इसका टेस्टर्स भी अवेलेबल थे, तो बेस्ट थिंग इज़ कि इसके टेस्टर्स अवेलेबल थे, तो नेचुरली आप स्मेल जो है वो लेके फिर आप चीज़ों को बाय कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट परचेज आफ्टर दिस एंटी परस्पायरेंट इज़ द बेस्ट, क्योंकि मेरे बेटा बोला है कि इसको आप बाद में दिखाओ, इज़ दिस परफ्यूम. सो दिस इज़ द स्वीट गर्ल फ्रॉम Miniso. सो इसके जो स्मेल थी अगेन बेस्ट थी, बहुत ही क्यूट सी छोटी सी बॉटल है. आई जस्ट ओपन इट फॉर यू. सो दिस इज़ द बॉटल ऑफ द स्वीट गर्ल फ्रेशली फ्रूट फ्रेगरेंस. बड़ी प्यारी सी पिंक सी बॉटल है ये, और क्योंकि फ्रूट फ्रेगरेंस है थोड़ा सा इसमें स्वीट स्मेल ज़रूर आती है, जो कि मुझे एक्चुअल में पसंद है. जो स्वीट फ्रेगरेंस आता है ना मुझे, आई जस्ट लव दैट थिंग. वाओ, स्मेल्स रियली वेल. एक और चीज़ आप सबके साथ में शेयर करूँगी रिगार्डिंग द अंडरगारमेंट्स इन द Miniso स्टोर. अंडरगारमेंट्स को वहाँ पे ट्रायल रूम नहीं था, तो ट्राई कैसे करेंगे वो अंडरगारमेंट्स को, वी वर नॉट नोइंग अबाउट दैट. और नेचुरली एक्सचेंज पॉलिसी भी नहीं है कि हमने घर में जाके ट्राई करा और वहाँ पे आके हम एक्सचेंज कर सकते, दैट फैसिलिटी वॉज ऑल्सो नॉट अवेलेबल. इस चीज़ को देखना पड़ेगा Miniso को कि एटलीस्ट ट्रायल रूम दे सके वहाँ पे, क्योंकि इतने महंगे अगर आपके यूजीज हैं और अगर आप घर में जाके देख रहे हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं और फिर से आप एक्सचेंज फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो नेचुरली जो कस्टमर है वो थोड़ा सा भाग जाएगा वहाँ से. तो यस, दिस इज द ओनली एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव टू Miniso. अदरवाइज द स्टोर वॉज सुपर्ब, प्रोडक्ट्स आर सुपर्ब. एक चीज़ लेने जाओगे तो 10 चीज़ लेके आओगे,
तो नेचुरली जो पर्स में है थोड़ा से एक्स्ट्रा अमाउंट डाल के ले जाना या फिर कार्ड लेके ले जाना. सो गाइस दिस वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई परचेज फ्रॉम मिनीसो. सारे जो डिटेल्स हैं स्क्रीन में मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं उनके रेट्स के बारे में और डिटेल्स तो नेचुरली आपको बता दिए हैं. तो यूज़ कैसे करना है इन प्रोडक्ट्स को और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज. फॉलो मी देयर ऑल्सो प्लस ऑन द फेसबुक पेज एज वेल. द लिंक्स आर मेंशन हियर एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So that was all about the Miniso thing. So if you have liked this video, please hit the like button as well as share this video or comment down kar dena ki aapke experiences agar rahe honge Miniso ke saath mein, toh how was about that? As well as the products that I can purchase next time if I visit Miniso store. So next video, aane tak, bye bye, take care.